हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं सुबह उठते ही जो है फ्रेश अप हो लिया है। अभी रेवन जो है अपना रूम पे जब था उस टाइम पे जाग गया था, तो अभी फिर से उसको जो है दूध पिलाने के बाद मैंने झूला पर रख दिया है। बच्चा जो है जितना सोएगा उतना उसका बॉडी में जो है चेंजेस आती है, तो इसलिए जो है हर टाइम जैसे भी हो उसको सुलाने का कोशिश करती हूँ मैं। अभी यहाँ पे जो है उनका पापा ड्यूटी लगे हुए है, रेवन को हल्का हल्का करके झूला झुला रहा है। जिससे बात करो जाग रहा है। आ, क्या हो गया? और किचन पर जो है मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मम्मी जो है सुबह उठते ही वो मेन रास्ता पे चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है हम लोग का जो बांते जी लोग है, मॉन्क लोग, वो लोग जो है बिंदु शरण कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो है चावल को चरा दिया और बीन्स बॉईल कर रही हूँ, जो कल भाभी का घर से लेके आई थी वही बीन्स। और आज मुझे जाने का मन कर रहा है सकीना का दुकान पे, तो क्योंकि मेरा जो एक लॉन्ग स्कर्ट है ज़्यादा ही लंबा है, मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था वो स्कर्ट को ज़्यादा ही लंबा है, तो थोड़ा सा नीचे से जो है कटिंग करना पड़ेगा। और एक तो प्लाजो पैंट भी है, बहुत लंबा है, मेरा हाइट उतना नहीं है ना मेरा हाइट उतना नहीं है। ये देखो, आज भी मैं सुबह उठते ही जो है ऐसे नाइटी लगाई हूँ, बहुत अच्छा लगता है ऐसे नाइटी। ये भी नाइटी जो है एक तो दीदी ने तेजू में जब रेवन जिस दिन पैदा हुआ था 29 मई को, उसी दिन को जो है दीदी ने गिफ्ट किया था एक तो मेकला और ये नाइटी। नाइटी का कलर सुंदर लगता है, इसलिए जो है मैं थोड़ा कम पहनती हूँ। बहुत सुंदर है और इतना कम्फर्टेबल भी है ना, बहुत अच्छा है, मज़ा है। और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ थोड़ा सा ये सब पार्ट देखने दिखाई देने से शर्म लगता है मुझे, तो मैं हर टाइम जो है दब के रखती हूँ मेरा शोल्डर वगैरह दिखाई देने से थोड़ा सा शर्म लगता है तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह खा के जो है देखेंगे। और आज का वेदर जो है, आज का वेदर बहुत ही प्यारा है, ठंडा ठंडा एकदम। बारिश हल्का हल्का सुबह पर दिया था, अभी रुक चुका है एकदम सुबह का टाइम पे। अभी तो कुछ भी बारिश शारिश नहीं हो रही है, बस भगवान करे ऐसा करके रखे मौसम। बहुत ही ठंडा ठंडा, कूल कूल, ज़्यादा धूप देने से पूरा गर्म होता है तो, और लाइट भी नहीं है। चलिए अभी मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने बीन्स बॉईल किया है, तो बीन्स का चटनी खाएंगे। कल का सब्जी भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है और बीन्स को जो है मैं चटनी बनाऊंगी। बीन्स का चटनी खाने के लिए जो है यहाँ पे मैंने मिर्च भी बॉईल किया और इसमें अदरक दिया और एक तो लहसुन, तो यहाँ मैं रेडी कर दिया है। तो मैं सबसे पहले जो है ये मिर्च को जो है खोट लेती हूँ, इसमें ड्राई फिश ऐड कर दूंगी मैं। पूरा मिर्च का चटनी खुटते खुटते मेरा आँख में पूरा मिर्च घुस गया, पूरा अच्छे से वॉश करना पड़ा, इतना जलता है ना। और यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया, ये वाला हिस्सा हम लोग खाएंगे और मम्मी के लिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ। मम्मी घर पे नहीं है तो इसको जो है मैं अभी यहाँ पे एक ही साथ में खूट लेती हूँ। पूरा एकदम हरा हरा, मैंने जो है मिर्च का चटनी पे थोड़ा ज़्यादा नमक दिया, अभी इसमें नहीं देने से भी हो जाएगा। इसको जो है एक ही साथ में, अगर ये वाला मैं मिक्स करके रखूँगी तो मम्मी कब को आ जाते हैं वो तो पता नहीं ना, तो इसलिए ऑलरेडी यहाँ कटोरे पे एक साइड में रखती हूँ, तो वो आने से मिक्स करके खा पाएगी। तो यहाँ पे जो है मैंने ब्रेकफास्ट भी निकाल दिया है, कल का बैंगन का सब्जी और इसमें कद्दू का सब्जी, और यहाँ पे है बीन्स का चटनी, बहुत ही टेस्टी है ये बीन्स का चटनी। ये देखिए ड्राई फिश देखे जो है मैंने बनाई है, और यहाँ पे ऑमलेट भी बना दिया। ये जो है सो रहा है, देखो ना बच्चे के साथ साथ ये भी सोता है, इतना भूख लग रही है। अभी मैं खा लेती हूँ इसको, मैं इतना जगा रही हूँ, पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा। उदू मेरा बच्चा जागने से मैं तो कहाँ खाना खा पाऊंगी, इसको इतना बुला रही हूँ, आ जाओ आ जाओ। अकेले होने से खाने का मन नहीं करता ना, पूरा मैंने निकाल दिया। बीन्स का चटनी आप लोग भी बना के ट्राई करना,
बीन्स का चटनी बहुत टेस्टी है, थोड़ा सा स्पाइसी करना। चटनी किसको बोलता है ना, स्पाइसी थोड़ा मोड़ा होने से अच्छा लगता है। ऑमलेट जग जा ऐसे ही होता है मेरा जिंदगी। खाना खाने के लिए भी टाइम कभी कभी नहीं मिलता है। कल तो मैं दिन भर भूखी थी। तो खाना वगैरह खा लिया, बहुत पहले खा लिया, ऐसे मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने रेस्ट वगैरह किया। अभी जो है मैं फिर से मैगी बना रही हूँ, और रितु दीदी भी घर पे आई है। यहाँ पे देखो उसका कपड़ा कंबल सब निकाल दिया है, क्योंकि आज जो है इन्होंने लाया है एक तो नया वाला गोदरेज, बहुत ही बढ़िया वाला, जैसे तैसे करके जो है यहाँ पे घुसा दिया। ये देखिए बहुत ही बड़ा है ना ये डबल। रैन जाग गया है, उसका पापा के पास में है। दीदी यहाँ पे खाना खा रही है, तो मैं अभी जो है मैगी बना रही हूँ। यहाँ पे गर्म पानी दिया, अंडा दो बॉयल किया, अंडा एक तो फट गया। और यहाँ पे दो पैकेट मैगी है, और मैं लाई पट्टा भी ऐड कर दूँगी। आज जेरी का स्टाइल का मैगी दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ मैंने सबसे पहले मैगी और लाई पट्टा को दिया है। अब इसमें जो है मैंने मिर्च 3 काट के 6 कर दिया। अब इसको भी मैं दे देती हूँ, और मसाला को अभी दे दूँगी, और ये अंडे को भी। इस थोड़ा सा नमक देना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मेरा मैगी बनके रेडी हो चुका है, पर अंडा जो है ज़्यादा ही हाफ बॉयल था, फेल हो गया। तो जैसे तैसे करके यहाँ पे 1-2 टुकड़ा दे दिया है। इतनी खुशबू आ रही है, मैंने जो है धनिया पत्ता भी दिया है, जो लोकल धनिया होता है ना वो वाला, और लाइट पट्टा। अब मैं यहाँ से जो है थोड़ा लेके जाती हूँ। वाह मज़ा आएगा। यहाँ मैं ये देखो, ये बच्चा जो है पूरा चुपचाप से है, इसके साथ मैगी खाएगा रे। और जो यहाँ पे है मेरा मैगी खाएगा तुम? हाँ ये देखो यहाँ पे सबसे पहले सूप। वाह लम्बू ने जो है अभी अभी अमरूद ला दिया है, अभी फिर से वो चला गया है बगीचा पे। अभी हम जो है यहाँ पे अमरूद को कटिंग करेंगे। ये पके वाले खाना है, ये वाला अच्छा होगा जैसे लग रहा है, ज्यादा कच्चा वाला तो क्रक क्रक करेगा। हाँ, और यहाँ पे जो है मैंने ड्राई फिश के साथ मिर्च का चटनी रेडी कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, अभी इसको जो है कटिंग करना है। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे अमरूद है, ये मार्केट में थोड़ा सस्ता करके दिया ना, क्योंकि हम लोग का, हाँ हम लोग का ही ऐसे पड़ा हुआ है पैरों पे, ऐसे ही गिर गिर के खत्म होता है, तो उससे अच्छा है चलो ज्यादा ही दे देती हूँ कम दाम में। ये हमें देखो ना, ये मिजोरम पे होता तो 1 का 10 रुपया, इतना बड़ा बड़ा। सच में मेरा जो दीदी का बड़ा बेटा है ना, वो छोटा छोटा, ये तो और भी अच्छा है, ये तो पूरा अच्छा अच्छा 10 रुपया में 4 लेके आता है, इससे भी छोटा छोटा, बहुत महंगा है। यहाँ में देखो ना इतना फ्रेश फ्रेश ये वाला। चलो अभी कटिंग कर लेते हैं जल्दी। पक गया पैर पे पक गया। वाओ इतना फ्रेश फ्रेश, ये देखो बढ़िया है, इसलिए दाव मांग रहा था ना मेरे से। चलो अभी यहाँ पे कटिंग करते हैं। कैसा है? बढ़िया। पूरा शाम होने को चला है दोस्तों, हम लोग जो है चटनी वगैरह भी खा लिया है,
अभी मुझे जो है यहाँ पे पानी वगैरह उठा के जो है नहाना पड़ेगा। पानी यहाँ में उठाऊंगी, लाइट नहीं है तो जल्दी जल्दी यहाँ पे पानी उठा लेती हूँ और वहाँ पे जो है नहाना पड़ेगा क्योंकि मुझे और लम्बो को जाना पड़ेगा मार्केट पे। तो कुछ सामान चाहिए था मुझे वो ही लेने के लिए और मेरा कपड़ा वगैरह वो सब सिलाने के लिए। पता नहीं टाइम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पूरा शाम होने को चला है। ये देखो जल्दी रात होता है ना यहाँ में, तो जल्दी कर लेती हूँ कामों को। अभी जो है दोस्तों नहा धो के फ्रेश हो लिया है। रेहन को जो है मैंने दोपहर का टाइम पे नहला दिया था 2 बजे का करीब में। अभी मैं और लम्बो ने जो है नहाने के बाद जल्दी जल्दी रेडी हो गए क्योंकि हमें जाना पड़ेगा सुपरमार्केट। तो मुझे जो है कुछ कुछ सामान वगैरह चाहिए था ऐसे छोटे मोटे, तो वो सब जो है लम्बो ने ही पहचानता है तो मैं ही लेके आऊँगी। और रेहन अभी सोखे उठा है, ये देखो अभी जाएंगे। पूरा हीरो लग रहा है, मेरा बेटा हंस रहा है, पूरा हंस रहा है। अभी जाते हैं, लम्बो भी रेडी, हम भी रेडी। चलिए अभी सीधा चलते हैं, पूरा शाम होने को चला है। ये देखो रेडी, अभी जो है हम लोग मार्केट पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। पूरा शाम होने को चला है, चिड़िया पूरा छा कर रहा है। रेहन जो है आते आते सो गया था तो लम्बो वहाँ पे ले लिया। मैंने जो है ऑर्डर किया है मोमो, मुझे मोमो खाने मन कर रहा है, मोमो खाऊंगी। और रितु दी ने जो है ये बगल वाली दुकान से जो है एक गोदरेज लेके गई थी तो चाय भी छोड़ के गई, इसको भी ले लिया है। अभी बस मोमो खाएंगे और मुझे जो है मेरा सामान छोटा छोटा सामान वगैरह देखना पड़ेगा फिर हम लोग जाएंगे घर। तो यहाँ पे मेरा मोमो आ चुका है, सूख भी है, तो मैं सबसे पहले जो है मोमो खा लेती हूँ। मैं मिर्च की चटनी नहीं खाऊंगी, इसको जो है मैं यहाँ सूप पे इसे डुबो के खाती हूँ। मोमो वगैरह खाने के बाद जो है अभी मैं फिर से आई हूँ यहाँ भैया का दुकान पे, राहुल भैया का दुकान पे। तो रेहन भी मेरा गोदी पर है, अभी लम्बो गया है चिकन लेने के लिए। तो मैं यहाँ से जो है मेरा ये हेयर को बनने के लिए रबर चाहिए था, थोड़ा बढ़िया वाला चाहिए था। यहाँ से एक तो ब्रश भी, हाँ ये वाला बढ़िया लग रहा है। कैसा ऐसा वाला है, उतना लास्टिंग नहीं करता है। यहाँ से दिखा दीजिए ना भैया, छोटा वाला थोड़ा बड़ा वाला टाइप का मिलता है, वो वाला बढ़िया होता है, इतना खास वाला नहीं है। यहाँ पे जो है ये वाला में बाल पूरा लगते रहता है, ये वाला थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा ठीक है पर छोटा छोटा है। मेरा बाल में ना थोड़ा बड़ा बड़ा वाला अच्छा लगता है। वो वाला है यहाँ में, दो तो ले लिया है, ये वाला लेना पड़ा है और एक तो ब्रश। और यहाँ पे मुझे नेल रिमूवर यहाँ से चाहिए था, ये लेमन वाला अच्छा लग रहा है। हाँ लेमन वाला अच्छा लग रहा है। एक का कितना है भैया, इसमें प्राइस है क्या? 45 तब तो दो तो लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने सामान वगैरह लिया है, ज़्यादा तो नहीं बस छोटा मोटा। अभी रात भी हो चुका है, जल्दी जाना पड़ेगा। और लम्बो ने क्या क्या ले लिया यहाँ पे, प्याज लिया, मीट लिया, अभी फिर से वहाँ पे पता नहीं क्या देख रहा है। जाते जाते जो है एक तो सामान अच्छा लगा है, बहुत ही बढ़िया लगा है मुझे। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि एक तो कढ़ाई, वहाँ भैया जो है उसका वेट देख रहा है कितना आता है। ये देखो पूरा मटन पकाने के लिए बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। वाव, 1 किलो ऊपर है, बहुत ही बढ़िया है। कितना आया था भैया? 614 600 600। क्या बनाना है हम लोग को इसमें? मीट पकाने से बढ़िया होगा मीट। हाँ लेंगे ना, चलो लेके जाते हैं। हाँ हाँ पैकिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड ने देसी जुगाड़ लगा दिया है, ये देखो क्या क्या ले लिया, हो जाएगा उसे हम पकड़ के लेगा। अभी फोन को हाँ बैग में डाल दो। घर में पहुंच चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिया है। सब्जी कुछ पकाया है क्या? मम्मी ने पकाया। क्या पकाया? पका हुआ बैंगन। हमने लम्बो क्या ले क्या, चिकन या मछली? दोनों। तब तो मैं चिकन को पकाऊंगी, चिकन मेरा स्टाइल में पकाऊंगी। चलिए नया नया कढ़ाई पे जो है मैं आज पका के दिखाती हूँ आप लोगों को। वाह ये देखिए, बाहर पे निकाल के रखा हुआ था भैया लोगों ने, तो मुझे अच्छा लगा, देख के अच्छा लगा। ये पूरा लास्टिंग होगा जैसा लग रहा है ना? ओए अच्छा लग रहा है।
इसमें बिल्कुल वो मटन पकाने से पूरा बढ़िया होगा ना, बढ़िया होगा। हाँ ये इतना भारी है ढक्कन भी, आते वक्त पूरा जो लोहा खरीदने आता है ना, हाँ बिहार का वो है बोलता है ना तीना बंगा बंगा तीना बंगा ऐसे ऐसे पूरा कंगरंग करके आया है हम लोग। तो अच्छे से सफा करूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं चिकन पकाऊंगी। और यहाँ पे मेरा सामान रबर जो है अच्छा वाला नहीं मिला था, तो ये 10 रुपया वाला लेके आना पड़ा है, ये बहुत छोटा छोटा है। तो ट्राई करूंगी, अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा लास्टिंग को नहीं करेगा। और ये रेवन के लिए, ये मेरे लिए, ये भी मेरे लिए, ये आपसे देख के लेके आया है। पहले भी लिक्विड वाला, हाँ लिक्विड वाला लेके आती थी, अब 40 में दिया है भैया ने, 40 में दिया है। फ्लेवर भी बहुत अच्छा अच्छा है। पूरा हालत बिगड़ चुका है इसका, लेडीज प्रॉब्लम सर्वनाश हो गोल ये। तो मैं, मुझे ना ऐसा बिस्कुट पसंद है, तो दीदी को भी पसंद है बोलते है क्या, ये तो भी सर्वनाश हो गोले। हम सिर्फ वो वाला बिस्कुट दीजिए ना अंकल, बोला है दे दिया ये। कभी कभी ना दोपहर को जो है बहुत भूख लगता है, तो ऐसे खाना रहते हुए भी खाना खाने का मन नहीं करता है, ऐसे दुकान का चीजें जो है खाने मन करता है। मंजिता की तरह, मंजिता जब घर में थी ना उस टाइम पे हम दोनों का सामने में बोलती थी, मुझे ना दुकान का चीजें खाने मन कर रहा है, दुकान का चीजें खाने मन कर रहा है, जैसे कि चॉकलेट, लीची, बिस्किट, ये चिप्स वगैरह ऐसे होता है ना। तो आजकल हम भी मंजिता का डायलॉग बोलने लग गया, दुकान का चीजें खाने मन कर रहा है, दुकान का चीजें खाने मन कर रहा है। तो आज मैंने लेके आया ये छोटा सा बिस्किट, और यहाँ पे ताना वाना, ये वाला अच्छा लगता है, बढ़िया है ये वाला, ये हाँ खट्टा मीठा अच्छा है, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है, इसमें सब कुछ एकदम मिक्स रहता है, खट्टा मीठा खट्टा मीठा। मम्मी को जो है बहुत टेस्ट भूख लग रही है, तो इसलिए पूरा फटाफट से बना दिया। अभी मुझे जो है यहाँ पे चिकन को पकाना पड़ेगा, लेमन वॉश करके रख दिया। मम्मी जो है मछली को पका रही है, अभी पका लेती हूँ मैं, ये वाले कढ़ाई पे ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसमें नहीं पकाऊंगी, या पकाऊ शुरुआत करूँ ना शुरुआत करने से ठीक होगा। आज तो जेरी फ्री, क्योंकि हाँ आज ये because, master service, Mr. Reform. कभी कभार जो है अपना आपको जो रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मेरा पति जो है स्पेशल बना के खिला रहा है चिकन, पहले मैं बनाने वाली थी, अभी ये नया वाला कढ़ाई पे जो है ये खुद बना रहा है। ऐसे इसको भी मैं बाहर जाने देती हूँ, और ये भी मुझे इम्प्रेस कर रहा है खाना पकाने खाना पकाने के लिए। इसको मैं इम्प्रेस करता हूँ ताकि मुझे बाहर फ्रीली घूमने का मौका मिले। अरे जा जा, क्लब व्लब में जाने मिले, लड़की के साथ डांस करने मिले, इसलिए जाता, इसलिए इसको इम्प्रेस करता हूँ। इसलिए जो भी लड़का लोग देख रहे हैं, हमेशा अपने बीवी का एकदम नीचे में रहो घर पे, तभी आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। और जो भी लेडी देख रहे हैं मेरा चैनल पर, आप लोग जो है कभी कभार अपने आप को रेस्ट दीजिए, और पतियों को थोड़ा मोरा काम से काम में लगा, थोड़ा मोरा काम पे लगा दीजिए, क्योंकि थोड़ा मोरा नहीं ठीक से लगाओ। चलो खुद एक्सेप्ट कर लिया, अभी अभी देखते हैं हर ब्लॉग में ये क्या करता है। मैं तो डेली पकाता हूँ, वैसे पकाता है, ऑफ कैमरा में सब्जी वगैरह पका लेता है, तो मैं हर टाइम जो है उसको मैं शूट नहीं करती हूँ, कभी कभार मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, ऐसे हो जाता है मेरा। तो आज देखते हैं इसका चिकन, इसका हाटों का रेसिपी बहुत कैसा होता है, मतलब टेस्टी होता है कि नहीं होता है, तो वो सब जो है मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लॉग बना रहा है। और यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह को ऐसे में रखे गए थे, अभी इसको जो है मुझे समेट के रखना पड़ेगा। लम्बू का कपड़ा जो है इसका गोड्रेस पर, और मेरा वाला जो है मैं डेली वेयर जो है यहाँ पे रखती हूँ, और जो थोड़ा अच्छा अच्छा वाला है ये रिजॉर्ट में गई थी पहन के, इसको जो है मैं वॉश कर दिया, अभी इसको जो है मैं वो हम लोग का सीटिंग हॉल में रख दूंगी, वहाँ पे जो गोड्रेस है वहीं पे मैं थोड़ा अच्छे वाले कपड़े रखती हूँ। अभी ये वाला को जो है यहीं में रखना पड़ेगा, क्या करे रूम भी छोटा है, जैसे तैसे करके मैनेज करना पड़ता है। जब अच्छा घर बनाएंगे थोड़ा रूम जो है एकदम बड़ा बड़ा करके बनाएंगे, अभी जैसे भी हो मैनेज तो करना पड़ेगा ना, रूम छोटा मोटा है, सबका छोटा छोटा है हम लोग का रूम। अभी हम लोग का डिनर जो है रेडी हो चुका है, मम्मी ने निकाल दिया है, और यहाँ पे मम्मी ने पकाई थी खुशबूदार पट्टा और बैंगन, पके हुए बैंगन, और यहाँ पे जो है मम्मी का ये एलेपन एप्पल के साथ मछली, मम्मी जो है चिकन विकन कुछ भी नहीं खाते है। और यहाँ पे जो है नया वाला कढ़ाई पे लम्बू ने पकाया है बिना मसाला के साथ चिकन बम्बू सूट के साथ, ये नॉर्थ ईस्ट का फेवरेट है।
चलो अभी हम लोग खाते हैं। रेवन और लम्बो जो है अभी ये लोग अभी नहीं खाएंगे, रेवन भी खाना नहीं खाएगा, अभी लेवन भी खाएगा, लास्ट में खाएगा, मेरे साथ खाएगा। पूरा मम्मी का थाली देख रहा है ये तो। अभी हम खा लेते हैं। और यहाँ पे टीवी ऐसे पड़ा हुआ है, दीदी जो है एक तो साउथ इंडिया मूवी ऑन किया, हाँ साउथ इंडिया फैमिली मूवी मेरा स्टाइल का। जब भी हम कुछ ना कुछ अगर देखेगा हम डायरेक्ट क्या बोलेगा ये वाला स्पीकर से साउथ इंडिया फैमिली मूवी करके बुलाता है। चलो अभी खाना खा लेते हैं। मैंने जो है चिकन ले लिया तो अभी मैं खा लेती हूँ। देखो हाँ, सबसे पहले का उसको रिव्यू दे दो। हाँ। चलो रिव्यू ना रे, चलो चिकन थोड़ा हाय विस्तार रिव्यू। वैसे तो बेम्बू सूट के साथ एकदम जबरदस्त होता, बढ़िया हुआ है। मैंने इसको जो है थोड़ा मिर्च ज्यादा देने के लिए बोला था। कैसा हुआ? टेस्टी हुआ है, क्योंकि ना फर्मेंटेड बेम्बू सूट के साथ खट्टा खट्टा होता है, बहुत टेस्टी है। हमने जो है मसाला नहीं दिया है। अगर देखना है तो लेमो का चैनल पर देख लेना इस वाला रेसिपी। अभी आराम से डिनर करता है, वीडियो जो है बाद में बताऊंगी। तो हमने जो है डिनर वगैरह भी कर लिया है दोस्तों। अभी मैं अपने रूम पे आई हूँ तो अभी मुझे जो है वीडियो को एडिट करनी पड़ेगी। और भी सो गया है, वो देखो वहाँ पे सो रहा है, ये तो बहुत जल्दी सो जाता है। अभी लगभग टाइम जो है 10 बज चुका है, अभी 10 भी पार होने वाला है, तो नींद भी लग रही है। पता नहीं ब्लॉग को जो है कैसे एडिट करूँ, जो जैसे भी हो एडिट करके जो है अपलोडिंग पे रखनी पड़ेगी। तो आशा करती हूँ आप सभी को जो है आज का ब्लॉग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर से कमेंट कर देना। तो मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट सभी को।